हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आपको प्राचीन मंदिरों की जो हम श्रेणी दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्राचीन मंदिर के सामने आपको लेकर आ चुके हैं। इस मंदिर की प्राचीनता का बहुत ही ज़्यादा हिंदू पुराणों वगैरह में वर्णन है और महाभारत टाइम से ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ये जो मंदिर है इसकी बहुत प्राचीन कथाएं और कहानियां भी विख्यात हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं ये वह मंदिर है, स्थानवेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बताया जाता है कि स्थानवेश्वर महादेव मंदिर से ही महादेव जी की शिवलिंग की पूजा की शुरुआत की गई थी। यही वह स्थान है जहां पर प्रथम बार महादेव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया था। आप ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर देख रहे हैं और स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के सामने जो ये सरोवर देख रहे हैं, इस सरोवर की भी अपनी एक कहानी विख्यात है। बताया जाता है कि यहां के राजा बाण को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, तो यहाँ की कुछ बूंदों से ही राजा बाण का कुष्ठ रोग अब मिट गया था। तो इस सरोवर की पवित्रता बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। आप जब भी आएँ तो सरोवर में अपना मुंह हाथ धोकर जरूर जाएं। ये बाहर कुछ प्रसाद वगैरह की दुकानें भी लगी पड़ी हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के महादेव शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर की पूजा के बिना किसी भी तरीके से कुरुक्षेत्र की यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती है, तो स्थाणु मंदिर भी बोला जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर इस मंदिर में अपनी पूजा पाठ की जाती है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है। जो ये आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ के महंत शिवलिंग की सेवा भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु अपने हिसाब से शिवलिंग पर जल धतूरा पान पत्ती द्वारा अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर हर रोज काफ़ी हजारों की संख्या में भीड़ आती है और यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। कुरुक्षेत्र की यात्रा बिना स्थानेश्वर मंदिर देखे कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। ये नंदी महाराज हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार अगर नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बताते हैं तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है महादेव के द्वारा, इसलिए ये कार्य किया जाता है। और यहाँ पर लोग जल, दूध, दही और धतूरा आदि से यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उस तरीके से यहाँ पर लोग दान धर्म चढ़ावा भी करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक मंदिर और परिसर में बना हुआ है जो कि माता जगदम्बा जी का मंदिर है। साथ में और देवी देवताओं की भी तस्वीर लगी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि संतोषी माता का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं। ये संतोषी माता का दरबार है। साथ में ये यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं। और दूसरा ये है वह जगदम्बा माता की मूरत जिसके सामने लोग मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। और यह भी जो दरबार है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो ये मंदिर भी देखें। साथ में हमारे श्रेणी वाले बाबा साईं बाबा की भी मूर्त लगी हुई है। ये भी एक पूज्य स्थान है और यहाँ पर भी लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं।